हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये बहुत ही आसान डीप गोल्डन और ब्राउन आई मेकअप कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको करना, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईब्रो बना ली है पहले, और मैंने यहाँ पर फिर ये कंसीलर लिया है जो कि लोरियल का है। तो इसको बहुत ही लाइटली मैं आईब्रो के ऊपर लगा रही हूँ, और अब इसको मैं आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर इस तरह से इसको लगा रही हूँ। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, थोड़ा करके ही, और इसको लगा कर हल्का सा इसको उंगली से ही कर लेंगे। और उसके बाद इसको पूरी आईलेट पर लगाकर, और यहाँ पर मैंने ये ब्रश लिया है जोइवा का कंसीलर ब्रश, राउंड ब्रश है ये। तो उसको करने के बाद में, और नीचे भी हम लैश लाइन पर इस तरह से हल्का सा उंगली से ही मैं इसको लगा लूँगी। और अब ये मैंने फोकेल्यूर का पैलेट लिया है, और इसमें से सबसे पहले ये शेड लिया है जो कि बहुत ही लाइट सा शेड है, ये ऑरेंज का। बहुत ही लाइटली इसको हम लगा लेंगे इधर क्रीज में, बिल्कुल हमें इधर डार्क नहीं रखना है। और अब ये डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है इसी पैलेट में से, और ये छोटा ब्रश मैंने लिया है रियल टेक्निक्स का, स्मॉल डिटेलर ब्रश इसका नाम है। और इस तरह से हमको शेप देना है, तो अपनी आईज़ की शेप के हिसाब से इस तरह से हमको करना है। बहुत ऊपर नहीं हो जाए, बहुत नीचे नहीं हो जाए, और दोनों आँखों में साथ साथ में ही आप इसको करते रहिए, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि दोनों में एक बराबर हो रहा है कि नहीं। और इस तरह से राउंड पहले करके, और बाद में यहाँ पर हम ऐसे शेप दे देंगे, तो अच्छी लगेगी ये। और अब थोड़ा सा ज़्यादा इस कलर को लेकर, और मैं यहाँ पर इस तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये ब्राउन वाला शेड हमें लेकर, और इसको इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने हल्का सा ग्लिटर ग्लू लिया है, क्योंकि मैं आगे जो यूज़ करूँगी वो गोल्डन पिगमेंट है। पिगमेंट को जब भी आप यूज़ कीजिए, तो हमेशा हल्का सा ग्लू लगा लीजिए, तो बहुत अच्छे से वो उसका कलर पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से आता है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, लगा रहता है बहुत देर तक। तो ये मैंने फोकेल्यूर का ही पिगमेंट लिया है, और इसको पहले मैंने उंगली से लगाया है, और यहाँ पर इसको मैं ब्रश की हेल्प से और इस तरह से लगा दूँगी, और लाइनर बना लूँगी अब मैं। और ये मैंने एसेंस का लाइनर लिया है, तो इसमें मैं कुछ विंग्ड लाइनर वगैरह नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा ऐसे ही पतला सा मैंने लाइनर लगाया है बस। आप चाहें तो विंग्ड लाइनर आप बना सकते हैं। और अब ये मैंने प्रेस्ड ग्लिटर लिया है, और इसको मैं सिर्फ सेंटर में ही लगा रही हूँ, तो पूरा मैं वहाँ तक लेकर नहीं जा रही, पूरी आईलेट पर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ इसको सेंटर में लगाया है मैंने। और ये जो ग्लिटर पैलेट मैंने यूज़ किया है, इसका नाम है ब्यूटी ग्लेस्ड, और ये आपको अमेज़ॉन वगैरह पे बहुत आराम से मिल जाएगा, नहीं तो आप स्विस ब्यूटी या और दूसरे कुछ लोकल जो ब्रांड्स में मिलते हैं, वो भी आप प्रेस्ड ग्लिटर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से सेम ब्राउन कलर यूज़ करा है, और इसको हल्का सा अब मैं ब्लेंड कर दूंगी। और अब ये ब्लैक शेड लिया है मैंने इसी पैलेट में से, तो इसको मैं कॉर्नर में ही थोड़ा करके लगा रही हूँ, बहुत अंदर तक पूरा लेकर नहीं आ रही, तो बाहर बाहर ही मैंने इसको रखा है। और यहाँ पर अब मैंने काजल लगा लिया है, और दोबारा से सेम जो हमने पिगमेंट लिया था उसको मैं लगा रही हूँ, और यहाँ पर हाइलाइटर लगा देंगे हम कोई भी। और लैशेस ली हैं मैंने, ये डुओ की लैशेस ये बेफोलन की लैशेस हैं, और डुओ का ग्लू है, तो लैशेस लगा देंगे हम अब। और अब यहाँ पे मस्कारा मैंने लिया है, और ये मस्कारा वेट एंड वाइल्ड का है। तो बस ये लुक ख़त्म है, बहुत ही आसान था। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और मुझको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जिनको भी मेकअप पसंद है, और मुझको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।